Assalamu alaikum to all my lovely students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, your PT2 exam will come soon. So, beta, you got your all PDF as well. So, you have to read properly. You have to learn everything. Okay. You have to refer your textbook as well as your CW according your syllabus. Okay. So now today in this video, I am going to explain you recapitulation of unit 6, If I Were an Apple, and unit 7, A Kite and Sunri. Okay, now let's proceed to your unit 6, If I Were an Apple CW exercise. Okay, now CW exercise, aapka first question hai words to learn. Number 1, apple. Number 2, grew. Number 3, tree. Number 4, tink. Number 5, drop. Number 6, down. Number 7, nice. Number 8, boy. Number 9, like. And number 10, wouldn't. Number 11, stay. Number 12, there. Number 13, giving. Number 14, nobody. Number 15, joy. Number 16, fall. Number 17, once. And number 18, eat. Okay, now give meaning. Number 1, drop. That means gir jana. Uska matlab kya hai? Fall down. Ye aapka give meaning hai. Okay. Number 2, joy. Joy ka matlab kya rehta hai beta? Happiness, khush hona. Okay. Number 3, stay. Stay ka matlab एक हमेशा के लिए रहना, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा? रिमेन. सी हियर वंस अगेन. नंबर 1, ड्रॉप, उसका मतलब क्या होता है बेटा? फॉल डाउन. नंबर 2, जॉय. जॉय कब फील करते हैं? जब हम लोग खुश होते हैं, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा? हैप्पीनेस. नंबर 2, जॉय, हैप्पीनेस. नंबर 3, स्टे. स्टे इट मीन्स रुक जाना हमेशा के लिए. सो उसका आंसर क्या रहेगा बेटा? रिमेन, दैट मीन्स रुक जाना. ओके बेटा, गिव मीनिंग जो है आपको एग्जाम में ब्रैकेट में उसके आंसर दिए गए होंगे, आपको सिर्फ ब्रैकेट में से उसका आंसर फाइंड करके लिखना रहेगा. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर आंसर द फॉलोइंग. सी हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, वेयर इज़ द एप्पल. एप्पल कहाँ था? आंसर, द एप्पल इज़ ऑन द ट्री. एप्पल जो है वो किस कहाँ पे था? ट्री के ऊपर. नंबर 2, वेयर इज़ द बॉय. बॉय कहाँ है? सो बॉय, द बॉय इज अंडर द ट्री. मीन्स वो जो बॉय था वो कहाँ पे बैठा हुआ था? ट्री के नीचे, अंदर में. ओके, नंबर 3, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. बॉय जो है वो कैसे एप्पल ले सकता है? द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री. ट्री के पास में वो क्लाइंब करके एप्पल को ले सकता है. सी हियर, नंबर 1, वेयर इज़ द एप्पल. एप्पल कहाँ है? द एप्पल इज़ ऑन द ट्री. एप्पल जो है वो कहाँ पे होता है? ट्री के ऊपर. नंबर 2, वेयर इज़ द बॉय. आंसर रहेगा, द बॉय इज़ अंडर द ट्री. बॉय जो है वो ट्री के अंदर में बैठा हुआ है. नंबर 3, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. एप्पल जो है वो बॉय कैसे लेता है? आपका आंसर रहेगा, द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री. ट्री के पास में वो क्लाइंब करके वो अपने एप्पल ले सकता है. नाउ योर CW एक्सरसाइज इज फिनिश. नाउ लेट्स प्रोसीड टू यूनिट 6, इफ आई वर एन एप्पल टेक्सटबुक एक्सरसाइज. ये जो है बेटा आपको कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ ट्रेस करके लिखना रहेगा. वो आपको दिखाई देता है बरा, राइट? यहाँ पे कौन कौन से लेटर हैं? एस टी यू एन वी. ओके, नाउ हियर यू हैव टू सी द पिक्चर. ओके, एंड देन यू हैव टू फील द लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड. आपको यहाँ पे दिखाई देता है ओ आर, यहाँ पे आपको ए एन लिख के उसका ऑरेंज का स्पेलिंग कम्प्लीट करना रहेगा. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जाम ऑल्सो. मे बी यू हैव टू राइट द नेम ऑफ 5 फ्रूट्स. तो आप कोई भी 5 फ्रूट्स के नेम लिख सकते हो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बनाना, देन है पेयर. ओके, एप्पल दिखाई देता है ना बेटा, मैंगो, बनाना, ग्रेप, है ना. दिस काइंड ऑफ 5 एप्पल्स यू हैव टू राइट. 5 or 6 फ्रूट नेम यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम. सो आपको बहुत अच्छे से लिखना है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक. ओके बेटा, नाउ योर इफ आई वर एन एप्पल पोम एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड, CW एज वेल एज टेक्स्ट बुक. नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर यूनिट 7,
poem A Kite, CW and textbook exercise. Okay, now CW exercise of kite. Okay, words to learn: number one, often; number two, vis; number three, could; number four, kite; number five, sky; number six, ride; number seven, upon; number eight, freeze; number nine, whichever; number 10, way; number 11, chance; and number 12, blow. Now let's proceed to your give meaning. Okay, see here, give meaning breeze. Breeze का मतलब gentle wind. Okay, उसका मतलब क्या होता है बेटा? Gentle wind. और number 2, wish. Wish का मतलब क्या होता है? Strong desire. जो हमारी desire होती है वो कैसी है? Strong है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? Wish. क्या है number 1? Breeze, that means gentle wind. और अगर सिर्फ विंड है बेटा, तो विंड डैट मीन्स मूविंग एयर, और ये जो ब्रीज है उसका मतलब होता है जेंटल विंड. नंबर टू विस, उसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर वन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. चाइल्ड को क्या बनना था? सो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे द चाइल्ड विश. विश का क्या हो जाएगा? विशेस. और यहाँ पे ES क्यों लगेगा? क्योंकि वो SH से, ये जो वर्ड है वो SH से एंडिंग होता है, इसलिए यहाँ पे ES लगेगा. ओके, जो वर्ड SH, डबल S, ओके, ES से अगर वो कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको ES लगाना है. ओके, CH से भी अगर कंप्लीट होता है तो भी. सो द चाइल्ड विश इज टू बी अ लाइक काइट. ओके, उसको क्या बनना था? काइट. नंबर टू, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रिज. ब्रिज के साथ वो चाइल्ड की क्या विश थी, क्या करना था उसे? आंसर है द चाइल्ड विशेज टू राइड अपॉन द ब्रिज. उनको भी वो ब्रिज के साथ राइड करना था. नंबर थ्री, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई. कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो स्काई के अंदर और फ्लाई कर सकती हैं? पहला है बर्ड, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर. ओके बेटा, नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर यूनिट 7 काइट पोएम टेक्स्टबुक एक्सरसाइज. सी हियर, यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेस करना रहेगा और ये पिक्चर को कंप्लीट करना रहेगा. ओके, और यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसको क्या करना है? आपको उसका क्लू दिया गया है, तो आपको कौन सा पिक्चर कहाँ पे लगाना है तो वो आपको देखना है. यहाँ पे सन डे है तो यहाँ पे सन और रेनबो का पिक्चर आएगा, और यहाँ पे स्टार और मून का पिक्चर लगाना रहेगा. ओके बेटा, और यहाँ पे क्या है बेटा? See here, you see them all in the sky, fill in the blanks by choosing the word from the box. यहाँ पे ब्रैकेट में कोई वर्ड्स दिए गए हैं रिलेटेड दिस पिक्चर, और यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड यू हैव टू राइट द आंसर. फर्स्ट वाला क्या है बेटा? सन. नेक्स्ट है मून. नेक्स्ट है क्लाउड. उसके बाद है रेनबो. ओके, रेनबो, और उसके बाद है स्टार. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू यूनिट 7 सुंदरी लेसन. आपने पहले क्या देखा? ई फॉर वर्न एंड एप्पल यूनिट 6 की पोएम, यूनिट 7 काइट की CW एंड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. अब आप लोग देखोगे यूनिट 7 सुंदरी CW एक्सरसाइज. ओके, नाउ वर्ड्स टू लर्न. नंबर 1 काइट, नंबर 2 बॉबी, नंबर 3 स्माइल, नंबर 4 ब्यूटीफुल, नंबर 5 सुंदरी, नंबर 6 फेयर, नंबर 7 बैंड, नंबर 8 क्लीन, नंबर 9 everyone, and number 10 happy. Okay, now what's to learn? Number 11 little, 12 tune, 13 caring, 14 round, 15 wooden, 16 open, 17 holding, 18 lift, 19 tugged, number 20 please, number 21 string, and number 22 shoe. नाउ गिव मीनिंग बेटा. नंबर 1 बैंड. बैंड का मतलब क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिक. जो ग्रुप है वो पीपल म्यूजिक बजाते हैं उसे क्या कहते हैं? बैंड. नंबर 2 स्ट्रिंग, दैट मीन्स अ थ्रेड. नंबर 3 टग, दैट मीन्स टू पुल विथ फोर्स, जोर से खींचना. नंबर 4 विंड, दैट मीन्स मूविंग एयर. पहले आपने देखा ब्रीज. ब्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? जेंटल विंड. और यहाँ पे सिर्फ विंड है उसका मतलब मूविंग एयर, दैट मीन्स चलती हवा. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग. नंबर 1 हु मेड सुंदरी. सुंदरी किसने बनाई थी? तो वो एक लड़के का नाम था. क्या था वो? बॉबी. तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? बॉबी मेड सुंदरी. ओके,
और जब भी आप आंसर लिखते हो बेटा आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. ओके, सो बॉबी मेड सुंदरी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग आंसर यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. ओके, नाउ नंबर टू, व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी. उसने बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों कहा था. आपका आंसर क्या रहेगा, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी. नंबर थ्री, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. क्या सुंदरी एक ही बार में बहुत ही फास्ट उड़ने लगी थी. आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, नो, वो बहुत फास्ट फर्स्ट टाइम में वो उड़ नहीं सकती थी. नंबर फोर, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. कौन सी चीज़ ऐसी है जो सुंदरी को बहुत खुश करती हैं. व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई. जब बॉबी ने उसे छोड़ दिया और उसे क्या कहा, तो जाके स्काई के अंदर हाई हो सके उतना उड़, तब ये वो जो सुंदरी है वो बहुत खुश होती हैं. नंबर वन, हु मेड सुंदरी. आपका आंसर रहेगा बॉबी मेड सुंदरी. नंबर टू, व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी. आंसर क्या रहेगा, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल. नंबर थ्री, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, नो. नंबर फोर, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. क्या है जो सुंदरी को बहुत खुश रखता है. आंसर है व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई इन द स्काई. ओके बेटा, नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 7 सुंदरी. यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो देखो, यहाँ पे टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट. जो आपको काइट को फ्लाई कराने में हेल्प करेगा उसे क्या करना है, आपको कलर करना है. ओके, सी हियर आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं. ओके, और उसके आपको क्या करना है, टिक करना है और काइट के अंदर क्या करना है, कलर करना है. यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करेगी काइट के लिए, रोलर, ग्लू, पेयर ऑफ सीजर और काइट. ये चीज़ें जो है हमारी काइट के लिए, काइट को फ्लाई करने के लिए ज़रूरत होगी. यहाँ पे यह है बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपको जो डॉटेड लाइंस दी गई हैं उसको सिर्फ ट्रेस करके कंप्लीट करना रहेगा. ओके, नाउ सी हियर इज द स्टोरी ऑफ अम्ब्रेला एंड द क्रो. यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बनानी है. फर्स्ट पिक्चर में आपको एक लड़की दिखाई देती है, बारिश होते हुए वो अम्ब्रेला लेके खड़ी है. सी हियर होल्डिंग एन अम्ब्रेला अ लिटिल गर्ल वॉज वॉकिंग इन द रेन. जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है ये लड़की चल रही है आपको रेन के अंदर. आफ्टर सम टाइम द विंड ब्लू हार्ड. उसके बावजूद ये सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाई देता है कि विंड जो है वो बहुत ही ज़ोर से आने लगी. तो क्या होता है सी हियर, अ क्रो केम अ ग्रैब द अम्ब्रेला बाय बीक. और ये जो क्रो है उस अम्ब्रेला को बीक से क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया. ही फ्ल्यू फार, और वो बहुत दूर फ्ल्यू हो गया, उड़ गया. फार अवे, और बहुत दूर. ही प्लेस्ड अम्ब्रेला अपसाइड डाउन ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. और उसको क्या किया, वो ब्रांच के ऊपर लगा दिया ट्री के. देन ही कैप्ट हिज चीक इन द अम्ब्रेला. और उसने क्या किया, वो अम्ब्रेला को ट्री के ऊपर लगा के वो जो अम्ब्रेला है उसके अंदर उसने किसको बिठा दिया, अपने बच्चे को. दैट्स हाउ द क्रो फैमिली फाउंड अ नेस्ट फॉर देमसेल्व्स. और ऐसे अम्ब्रेला से जो क्रो है उसने अपनी फैमिली के लिए क्या ढूंढा, एक नेस्ट अपने आप के लिए. ओके बेटा, नाउ सी हियर, यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर टू मेक इट इन टू द स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज. यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने ये स्टोरी देखी उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके, सो आपको कैसे कंप्लीट करना है, आपका फर्स्ट सेंटेंस रहेगा हियर इज़ द करेक्ट ऑर्डर. नंबर वन, इट इज़ रेनिंग, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला. देन अ विंड ब्लू, जो बारिश है वो क्या हो रही थी, वो बारिश हो रही थी. और विंड ब्लो डेट मीन्स हवा आ रही थी, हवा चल रही थी. द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, और जो क्रो है वो अम्ब्रेला को लेके भाग जाता है, वहाँ से उड़ जाता है. द अम्ब्रेला हैंग ऑन अ ट्री, और जो ट्री के ऊपर अम्ब्रेला को क्या कर देता है, वो हैंग कर देता है. द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, और अम्ब्रेला जो है वो क्या बन जाती है, नेस्ट. सो आई होप बेटा आपने ये वीडियो में क्या क्या देखा, आपने देखा फर्स्ट कौन सी एक्सरसाइज देखी, यूनिट 6 इफ आई वर एन एप्पल जो है उसकी एक्सरसाइज आपने देखी. कौन कौन सी, सी डब्ल्यू एक्सरसाइज,
एज वेल एज कौन से एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। उसके बाद यूनिट 7 जो है उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज देखी आपने, CW, यूनिट 7 काइट जो पोएम है उसकी CW एंड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखी। उसके बाद आपने क्या देखा, यूनिट 7 जो है उसकी सुनरी की टेक्स्ट बुक एज वेल एज CW एक्सरसाइज देखी, है ना। सो आई होप आप PT2 के लिए आपको जो भी समझना है वो आप वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ पाओगे बेटा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड आपको एग्ज़ाम, सो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, स्टे होम स्टे सेफ, जज़ाकअल्लाह।